स्वागत है। रुक करते हैं दिल्ली का, जहां की वायु गुणवत्ता बेहद खराब होती जा रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार एक्शन में है। हालांकि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक्शन विंटर प्लान भी लाया गया है। आपको बता दें, उसके बावजूद दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद गंभीर हो चुकी है। पर्यावरण मंत्रालय की लगातार आला अधिकारियों के साथ बैठक भी हो रही है, चर्चाएं भी की जा रही हैं। अब जब प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार एंटी ओपन बर्निंग अभियान की भी शुरुआत की है, और इसी के निरीक्षण करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राज गाजीपुर साइट पर भी पहुंचे, जहां पहाड़ के रूप में कूड़े का ढेर है और लोग इस कूड़े के ढेर में आग लगा देते हैं और आग लगने से प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। आग न लगाए जाने के लिए लोगों से जागरूक करने की भी बात कही गई। पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग विभागों की तरफ से भी इंस्पेक्शन का, पेट्रोलिंग का डे और नाइट जो है अभियान शुरू हो रहा है, जिससे कि जगह जगह जो कूड़े जलते हैं, आग लगती है, उनको रोका जा सके और दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। गोपाल जी, इस तरह से यहाँ जो गाजीपुर लैंडफिल साइट है, ये बहुत बड़ी समस्या है वायु प्रदूषण के, खास करके इसके निस्तारण के लिए क्या आपको लगता है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम नाकामयाब है, ऐसे में दिल्ली सरकार को आगे बढ़कर आना चाहिए? अभी जो एमसीडी के इंजीनियर्स ने और डीपीसीसी के साइंटिस्टों ने अभी जो रिपोर्ट दी है कि एनजीटी के ऑर्डर के बावजूद, अभी मैं उस साइट को भी देखने गया था, अभी 2.5 साल में ये बता रहे हैं 5.5% केवल जो है कूड़े का निस्तारण हुआ है। तो इस स्पीड से तो मेरे ख्याल से इस कूड़े का निस्तारण तो मुश्किल लग रहा है इसके लिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसके लिए तो 13 साल लगेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही पुअर है, और मुझे लगता है कि एमसीडी को इसको लेकर के एक सही एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है, क्योंकि 2.5 साल में 5.5% हुआ है, तो इस रेशियो से तो इसका मुश्किल दिख रहा है। और इसको लेकर के भी हम एक समीक्षा बैठक करेंगे, जिससे कि ये समझ में आ सके कि आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है। गोपाल जी, आज जिस तरह से स्मॉग है, दिन के 1:30 बजे तक भी विजिबिलिटी दिल्ली में बहुत कम है, क्या कुछ और इमरजेंसी मेजर्स लेने की जरूरत है? नहीं, दिल्ली के अंदर का देखो, इमरजेंसी मेजर्स तो हम 5 बिंदुओं पर काम हमने शुरू कर दिया है।